आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि यार 30-19 में एसी में बताओ, एसी वाली गाड़ी का वीडियो बनाओ, तो आज मैं एसी वाली गाड़ी का वीडियो बना रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये जो गाड़ी हमारे सामने आइशर प्रो 30-19 है, ये एसी में है, ठीक है जी। और देखो ये जो है ना सामने का, कई लोग कहते हैं कि यार अंदर की चीज़ें भी दिखाया करो थोड़ा सा। ये देखो आपको मैं अंदर की चीज़ें दिखा रहा हूँ। हमने आगे का ये जो बंपर है उतार रखा है, अब देखो ये बराबर में जैसे बंपर लगा हुआ आता है, ये बंपर हमने उतार रखा है। और बंपर उतार के हम आपको पूरी जो चीज़ दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो है कंपनी की तरफ से हैं, कंपनी की तरफ से हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल का। तो एक वीडियो है उसमें पहले भी 30-19 की जो वीडियो शूट करी थी उसमें भी विकास जी आए थे, आज फिर से हमारे साथ है विकास जी। विकास जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो आखिर एसी वाली जो गाड़ी कंपनी ने बनाई है तो इसमें कुछ और चेंज वेंज भी किया है क्या विकास जी? जी सर, बहुत चेंज है गाड़ी में। बताइए गाड़ी में सर, एक तो हमारी जो 30-19 सेगमेंट आता है ये इसमें एसी प्लस वुडन फ्लोर में है। हाँ जी, ठीक है ना। और गाड़ी में एसी बढ़िया वाला दे रखा है बिल्कुल, जो है ना दूसरी कंपनी में है कि हाँ कूलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। एसी में भी दो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, डबल और सिंगल दोनों के लिए। म्यूजिक सिस्टम है, सस्पेंशन वाली सीट है, पर्दे के लिए अलग से वो दे रखा है गाड़ी में। और गाड़ी का आपको मैं दिखाता हूँ, आप खोलने से गाड़ी की अगर मजबूती की बात करें तो आप लोग कहते हैं कि यार थोड़ा गाड़ी से, इवन मैं आपने मेरे को भी कई बार कहते हुए सुना होगा कि भाई अंदर में गाड़ी की जो है मजबूती यार उतनी सही नहीं लग रही, मजबूत नहीं लग रही है। तो आज अपन अंदर से देखते हैं, कोई भाई ने उठा दिया है। बहुत से कस्टमर बोलते हैं ना कि आपकी गाड़ी कमजोर है, फाइबर की है, चेक करो आप कहीं फाइबर है इसमें गाड़ी में, सारी आयरन में है गाड़ी। और ये एसी के पाइप दे रखे हैं हमारे में, ये सारे एसी के पाइप दे रखे हैं, ये एसी के पाइप है बिल्कुल दिखा रहे हैं। कोई ऐसी नहीं है कि बहुत से बोलते हैं कि एसी है नहीं, दिखा रहे हैं वैसे मजाक कर रहे हैं, एसी बिल्कुल दिखा रखा है, एसी पाइप दे रखे हैं, ये पूरा मॉडल एसी में जी। देखो जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा ये दिया हुआ प्रॉपर, देखिए काफी मजबूत है फ्रंट से भी। इसकी एक बकायदा टेस्टिंग होती है, ठीक है, वो तो वो पेंडुलम टेस्टिंग बोलते हैं, वो टेस्टिंग की जाती है बॉडी के ऊपर। तो बॉडी कमजोर नहीं है, ये ऊपर से फाइबर जो लगाया हुआ रहता है ये वो भी चेंज है, वो भी आयरन में है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। और इसका स्टेयरिंग ऐसा है कि अगर जो बाई चांस इन फ्यूचर किसी का कोई हादसा हो जाता है, और स्टेयरिंग के बात करते हैं एक बार इसको नीचे कर दे तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि ये कुछ इस तरीके का है देखने में। गाड़ी में फॉग लैंप भी है, ठीक है जी। तो अभी और पूरी बात करते हैं, फॉग लैंप वगैरह सारी चीजें और क्या क्या इसमें। अच्छा एक चीज है विकास जी, जी इसमें जो बॉडी जो आती है इसकी जी, इसकी जो फ्लोरिंग होती है जी, वो कई लोग उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या कुछ है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग दो वेरिएंट आते हैं फ्लोरिंग में, ये वुडन फ्लोर में है, एसी वाला सेगमेंट वुडन फ्लोर में है हमारा। ये जो है ये है वुडन फ्लोर में, जैसे कि आप देखो ये वुडन में है, ठीक है जी। तो ये जो एसी जो आ रही है इस गाड़ी में, ये वुडन के साथ आता है? जी वुडन के साथ आता है, केवल वुडन के साथ है और हाँ। दूसरे वाले के साथ नहीं है। स्टील वाला वो डिपेंड करता है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट है तो करा देंगे, नहीं तो ज्यादातर वुडन में ही जाता है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है दो तरीके के आपको बॉडी मिलते हैं, एक स्टील वाली आएगी और एक आएगी जी आपकी वुडन वाली, इस तरीके से, ठीक है जी। ये वुड वाली है, तो वुड वाली जो है उसके साथ आपको एसी आ रहा है, स्टील वाले के साथ फिलहाल अभी एसी नहीं आ रहा। नहीं स्टील में एसी है पर वो डिमांड पे बन जाता है, ऑर्डर पे बन जाती है गाड़ी, ज्यादातर हमारी वुडन में जाती है गाड़ी, ठीक है। तो ज्यादातर वुडन की डिमांड ज्यादा है तो इसीलिए वुडन में आपको ये गाड़ी। और दूसरा आपको मैं यहाँ बताता हूँ, हमारा जो ये कैबिन हीट नहीं मारता है एसी के साथ साथ, इसकी मैटिंग कोटिंग दोबारा नहीं अपडेट होगा, ये हमारा साइलेंसर नीचे से होकर आ रहा है। अच्छा। उसकी कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। हाँ। बिल्कुल जेन्युइन। और गाड़ी में बम्पर के साथ साथ हम फॉग लैंप भी दे रहे हैं, आप अंदर आइए एक बार, अंदर चल के चेक करिए। हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग की खास बात है, कोई आगे से कुछ भी जैसे कहीं टकराती है गाड़ी या कहीं लगती है, मैं दूसरी साइड से आ रहा हूँ। ये देखो जी, तो मैं यहाँ ऊपर चढ़ गया हूँ, तो भाई इसकी जो सीट है काफी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन वाली इसकी सीट है, इसमें इसकी सस्पेंशन सिस्टम वाली सीटें हैं जी, काफी बढ़िया लग रहा है, म्यूजिक सिस्टम है गाड़ी में, हो रहा हूं तो काफी बढ़िया लग रहा है। आगे स्टीयरिंग इसका कंट्रोल काफी बेहतरीन है, म्यूजिक सिस्टम दे रखा है गाड़ी में, अब इसमें एसी के इवेंट से है ये आई रहा है। म्यूजिक सिस्टम तो इसमें पहले भी आई रहा था, अभी भी आई रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नहीं म्यूजिक सिस्टम में इस नए वाले वेरिएंट में है, हमारा जो पहले वुडन फ्लोर था नॉर्मल 30-19 उसमें नहीं था, उसमें नहीं आ रहा था। हाँ, या तो स्टील फ्लोर वाली जो 12 वोल्ट वाली उसमें है या फिर इसमें है। अच्छा एसी की बात कर लेते हैं, इसमें देखो ये रहा एसी का सारा, ये एसी सिंग, ये एसी का हमारा सिंगल मोड है, ये डबल मोड है, ज्यादा गाड़ी में ज्यादा आदमी बैठे हैं तो उसके लिए हम डबल करा लेंगे, ये खाली सिंगल है, सिंगल पे जरा सिंगल ड्राइवर चला रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल पे चला लेगा, ठीक है।
लेकिन हमारी इको पावर मोड होगी। स्टेरिंग की हमारी खास बात है, कोई आगे से कोई चीज टकराती है तो स्टेरिंग ड्राइवर के पेट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट बाहर चला जाएगा, मतलब अपोजिट जाएगा। हाँ, और उसकी सेफ्टी के लिए जैसे आपके यहाँ नेक के यहाँ पे अलग से एक रोड दी हुई है गाड़ी, इसकी सेफ्टी के लिए नेक रोड दी गई है, अंदर है इसके, अंदर में है। हाँ, अंदर है इसके, अंदर में कोई रोड वगैरह है वो ऑफ हो जाएगा। हाँ जी, और गाड़ी के सस्पेंशन वाली सीट दी है गाड़ी के, सारी मैटिंग वैटिंग सब अपडेट हो गई है गाड़ी में, सारा तो है, ये बिल्कुल नया हो गया। हाँ, लेकिन म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ स्पीकर भी है दो पीछे गाड़ी में, ये पर्दे लगाने, पर्दे लगाने के लिए अलग से वो इवेंट दिया जी जी। ये चीज है, पीछे जो है लोग कहते थे कि यार हमारा वो काट लिया, रेडियम काट लिया, तो अब वो वाली चीज दीजिए, देखो पूरे में आपको लग इसमें पूरी बेस्टिंग मिलेगी आपको, कोई रेडियम वेडियम नहीं कटा हुआ है, स्पीकर आपको मिल जाते हैं जी, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी आप छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हो, ये आपके पास सनवाइजर ही हो गया, ये चीज़ें बाकी यहाँ लाइट्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, ये है तो इस तरीके से है ये, और बाकी 7 स्पीड में आती है गाड़ी ये, ठीक है जी। और वही 7 फ्रंट में एक रिवर्स का हो गया, यहाँ भी ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है। इसकी चाबी कहाँ गाड़ी की दी हो? यहाँ पे रख सकते हैं ना, मुझे चाबी लग रही है, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं गाड़ी को मिला के बेहतरीन है, लगाओ चाबी, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्लिच भी चलो, रुक जाओ अभी, निकल हो गया। खिड़की बंद कर लो आप, देखो ये हमारे एसी के वेंट है, इसके म्यूजिक प्लीज बंद कर दो, ये एसी के वेंट है हमारे, ठीक है। ये गाड़ी का एसी चल गया है, ये पंप पे है, कूल पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है हमारे इसमें, ठीक है ना, फैन स्पीड के। और ये ऐसा है जैसे गाड़ी ड्राइवर चला रहा है उसके साथ कोई भी है तो ये डबल में चल जाएगी, इसकी स्पीड तेज रहेगी, अब आपके सामने स्पीड तेज, डबल डबल में हो गया भाई, स्पीड इसकी बढ़ गई भाई, गजब यार, मस्त मोटर चलाते ही एकदम, यहाँ से एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यहाँ से आ रही है, इधर इधर सबसे बिल्कुल गाड़ी में बैठते ही चल एकदम महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार। एसी तो बढ़िया है, एसी में अपन ये नहीं कह सकते कि यार एसी हल्का है, कमज़ोर है, गर्मी में नहीं कर पाएगा काम, भाई 45 डिग्री हो, अभी 45 डिग्री आज के टाइम में चल रहा है टेम्परेचर, ठीक है, तो उसमें बहुत ही बढ़िया है, कूलिंग में तो मेरा हो रही है, मज़ा आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कूलिंग में, ठीक है। तो लाइव में देखो चला के देख रहे हैं हम लोग, ये डबल का है, ठीक है, ये सिंगल का है, अब हमारी गाड़ी स्टार्ट है, हमने सिंगल पे ही चला लिया। हाँ, सिंगल में केबल जो है थोड़ी सी हल्की हवा फेंक रहा है, लेकिन मतलब सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि हाँ आपको गर्मी लगी, और ज्यादा है तो कस्टमर, ज्यादा आदमी बैठे हैं तो गाड़ी में डबल करती है। हाँ, देखो आपके सामने मैंने करा, देखो आप दोबारा चेक करो इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, एकदम से स्पीड बढ़ गई है, बहुत स्पीड डबल हो गई, डबल स्पीड होती है, कूलिंग भी डबल हो जाती है, यार ये बढ़िया फीचर है, बाकी ये चीज़ है। बाकी अब विकास जी एक चीज़ में जाना चाहूँगा, लोग क्या जानना चाहते हैं यार, सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल है कि भाई ये गाड़ी हमें कितने रुपए की पड़ेगी, पहला सवाल, दूसरा सवाल कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तीसरा सवाल ईएमआई कितनी रहेगी। EMI सर इसकी EMI बैठेगी कम से कम 55-56 हज़ार के आसपास, 52 से 56-57 के आसपास अराउंड, गाड़ी की जो है वो EMI कितनी पड़ेगी, गाड़ी की कीमत पड़ेगी सर अभी तो फिलहाल हम एक्चुअल क्या है मोटा मोटा बता रहे हैं 2480 के अराउंड आस पास, 2480 का है, हाँ आसपास, ठीक है, यानी वुडन में ओटी के साथ आपको 2480 का पड़ेगा ये जी। कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी? डाउन पेमेंट सर डिपेंड करता है कस्टमर के पेपर कितना दम है, जितने अच्छे पेपर होंगे डाउन पेमेंट उतनी कम हो जाएगी, अब कस्टमर के पास गारंटर है तो और कम डाउन पेमेंट हो जाएगी, नहीं है गारंटर तो उसमें पेमेंट में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा डाउन पेमेंट जमा करनी पड़ती है, ये बस। और EMI नहीं, मतलब EMI आपकी सर 52 हज़ार प्लस ही बैठेगी, 56-57 के आसपास बैठेगी। अच्छा जी, तो भाई जिन लोगों का देखो ये सवाल रहता है कि यार मतलब कितना डाउन पेमेंट है, तो डाउन पेमेंट का यार कोई हिसाब नहीं है, डाउन पेमेंट मतलब आपके ऊपर है, वो तो आपके ऊपर है, आपकी सिविल क्या है, आपका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन सारी बातों के ऊपर जो है रहता है, ठीक है, तो डाउन पेमेंट ये चीज़ है, बाकी EMI डिपेंड, EMI भी फिर अगेन वही, जितनी भी आपकी गाड़ी हो, अगर आपने डाउन पेमेंट बिल्कुल नहीं किया है तो गाड़ी की पूरी कीमत हो गई, तो आपका EMI बढ़ जाएगा, है ना जी, इस तरीके से रहेगा।
ये चीज है। तो विकास जी, और ऐसी कोई चीज जो गाड़ी में चेंज हुआ हो? नहीं सर, फिलहाल अभी तो नए फीचर्स हमारी गाड़ी में ये सिस्टम है, एसी, सस्पेंशन वाली सीट। आपने सीट पे बैठ के देखा कितना कंफर्ट है, सीट पे बैठ के देखा होगा आपने कितना कंफर्ट है सीट पे। कोई वैसे नहीं, कोई गतकारी सस्पेंशन, सीट इसकी इतनी मतलब स्मूथ बना के दी है, बहुत मस्त बना के दी है गाड़ी की, सीट्स वगैरह बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर बिना एसी में कितनी की पड़ती है गाड़ी है? बिना एसी के सर इसे 50-60 हज़ार में सस्ती है गाड़ी, 50-60 हज़ार का फर्क पड़ जाता है एसी चीज़ें। लेकिन एसी यार मस्त है, कोल में लगे कोल मतलब चिलिंग कर दिया इसलिए, जब ये सिंगल पे चल रहा है, सिंगल पे ही चल रहा है, ठंडी लगने लग गई है, ठीक है ना। देखो मैं हाफ में हूँ, टी शर्ट में हूँ, देखो ठंडी सी मैं कोल लग गई, अब मन कर रहा है कि बंद कर दो ये चीज़ें। तो अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे तो स्टील बॉडी में है, स्टील बॉडी में बिना एसी वाली गाड़ी जो है वो कितनी की पड़ेगी? स्टील बॉडी वो सर 12 वाट में आती है हमारी, वो गाड़ी 24 के अराउंड है, मोटा मोटा 24 लाख के आसपास वो भी बैठेगा। तो ये था कुछ, बाकी विकास भाई अगर किसी भाई को गाड़ी लेनी है ठीक है तो वो कैसे संपर्क करेगा आपसे? संपर्क क्या आप, मैं आपका जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी, ठीक है, इस शोरूम का एड्रेस भी दे दूंगा जी, और इस तरीके से भी वो कोई भी जो है कंट्रोल कर, कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी इस 30-19 के बारे में, बस इसमें ज़्यादा कोई खास चीज़ें नहीं है, एसी इसी में सेट लग गया है उसके, ठीक है जी। तो ये है और बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये सब पीछे आ रही थी, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई दिखाई है कि भाई ये चेंज कर दिया है रूफिंग का और बाकी सीट्स वगैरह और कम्फर्टेबल कर दी है, ये चीज़ें हुई हैं, भाई एसी तो मज़ेदार है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ये 24 फुट की गाड़ी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, 22 फुट है, सॉरी 22 फुट ही है। और अगर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, गाड़ी ध्यान से चलाइए।